कैसे हो गया? बस बढ़िया। आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती। चुनावी माहौल के बीच पीएम मोदी दिन भर छाए रहे, पहले अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू को लेकर, फिर चुनावी रैलियों को लेकर। पीएम मोदी ने अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू में दिल के कई राज खोले। उन्होंने कहा, सोचा नहीं था कि कभी पीएम बनूंगा। तो मैं ये बर्तन का जो लोटा रहता है, कभी ऐसा विचार नहीं आया। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई। क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गाँव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया। तो अपने आप ही बनते चले गए, सब कुछ जिम्मेवारियाँ आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका, उसमें ये सब बैठता ही नहीं है जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी फिल्मों में जाना चाहते थे। अब हमारे घर में वो प्रेस करने के लिए कुछ था नहीं। अक्षय कुमार जी एक बहुत अच्छा अभिनय करने वाले एक्टर हैं। प्रधानमंत्री जी अक्षय कुमार जी से भी ज्यादा अभिनय, बेहतर अभिनय करने का प्रयास कर रहे हैं। लगता है कि 23 मई को जब जनता राजनीति से झोला उठाकर विदा कर देगी तो वो एक नया प्रोफेशन तलाश कर रहे हैं बॉलीवुड में। परंतु ये मान लें और समझ लें कि ये देश एक मजाक नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी ने विरोधियों और चुनावी माहौल को लेकर भी खुलकर बात की। अपोजिशन पार्टी में आपके कोई दोस्त हैं? बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। आप अभी भी उनके साथ कभी चाय पीना? बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साल में एक दो बार साथ खाना भी खाते हैं। अच्छा। अब खैर वो फॉर्मल होता है क्योंकि हम तो कैमरा में देखते हैं, हम तो मीडिया के सामने, मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं, हमको तो पता ही नहीं होता। बहुत पहले की बात है जी, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था। नहीं, किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था और गुलाम नबी आज़ाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा, कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त मार रहे हो, फिर तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, एक गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे है? हाँ। तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया, हम दोनों खड़े थे, बोला देखो भाई बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है, शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, हाँ, वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। आपको हैरानी होगी और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये ममता दीदी, हाँ, साल में आज भी मुझे एक दो कुर्ते वो खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए एक दो कुर्ते भेजती है। इंटरव्यू के अलावा झारखंड में पीएम मोदी ने रैली की जिसमें कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हमारे वीरों पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं सबूत लाओ, सबूत लाओ, तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान में आतंकियों पर हमला हुआ। वो हमारे देश के वीर जवानों की नीयत पर, उनके पराक्रम पर शक कर रहे हैं। मेरे झारखंड के भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या सेना की बात पर आपको भरोसा है? सेना के पराक्रम पर भरोसा है? मेरे देश के जंगलों में रहने वाले आदिवासी भाइयों बहनों को समझ भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन राजनीति में खपे हुए खेलकूद करने वाले
कांग्रेस के लोगों के दिमाग में देश की सेना के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के फतेहपुर में रैली कर पीएम मोदी पर जोरदार पलटवार किया। आज अगर आप प्रधानमंत्री जी को देखें तो या तो विदेश में दिखेंगे, अमेरिका में अमेरिका के प्रेसिडेंट से गले लगाते हुए, या जापान में, या चीन में, या अफ्रीका में, या फिर कल आपने देखा होगा बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इंटरव्यू करते हुए, लेकिन कभी जनता के बीच में आपने उनको नहीं देखा होगा। चुनावी घमासान के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। देखना होगा जनता किस पर ज्यादा भरोसा जताती है।